नमस्कार, आप देख रहे हैं जे नाई न्यूज में आप सबका स्वागत है। बाराबंकी भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन एवं किसानों में नोकझोंक जारी। आपको बता दें, मीडिया कर्मी के चलते नहीं हो पाई आशीष चौधरी की गिरफ्तारी। घंटों बाराबंकी हैदरगढ़ रोड पर लगा रहा जाम। व्यापारियों ने भारत बंद की स्वागत किया, किसानों की साथ देते हुए नजर आए। आइए देखते हैं कुलदीप वर्मा की एक रिपोर्ट। अब लोग पैदल आए, थक गए, आप गाड़ी मंगवा दीजिए, लोग चले जाएंगे। कोई जाएगा? आप देखो, कोई जाएगा? बात करोगे? अरे क्यों, हमारी चलो ना, हमारी बात, हमारे लोग आगे चल रहे हैं। कार्यालय चलना, कार्यालय चलिए, नजर बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद और कोई कार्यक्रम तो नहीं है। अब आगे धीरे धीरे आप अपनी बात करके, जो आपको अपनी डिमांड है, जो भी कहना है, नाके से घूम के ऐसी निकल रहे हैं। यही यही तो घूम जाएंगे, नाका तो आगे नहीं, ऐसे घूम जाएंगे। बहुत पब्लिक पूरा बारह मोबाइल के जमाने में वो वीडियो चल रहा, सब लोग देख रहे हैं, दिखाने की कोई बात नहीं है। चलिए को छुपाने के लिए, सत्य को दबाने के लिए जहाँ ले जाएंगे, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सत्य नहीं दबा पाएंगे, सत्य में हो जाते नहीं भाई। है किसान भारत देश की जेल में वो ताकत नहीं जो देश के किसानों को रोक पाए। ये 125 करोड़ आबादी में 85% किसान है, कौन सी जेल में बंद करेंगे? मोदी जी, इतना पैसा नहीं मोदी जी के पास, कौन सी जेल में बंद करेंगे किसान को? है ठीक है, यहाँ पर प्रशासन उनकी मांग पर जो केंद्र सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही, ना उनसे बातचीत कर रही है। बातचीत कौन कर रहा है? वहाँ कृषि मंत्री बात कर रहे हैं। अरे देश की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है, बात करने कृषि मंत्री आ रहे हैं। आके जो केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो आके किसानों से बात करें और हमारी समस्या को तत्काल से खत्म करें। जो त्रिस्तरीय अध्यादेश बिल है, किसान कह रहा है उसको समाप्त कर दो, और किसानों के हित के लिए तो दिक्कत क्या है इनको, सरकार के लोगों को क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं उसको? या उससे पहले आप बात कर लेते, बिल लाने से पहले किसानों से बात कर लेते कि ये बिल हम लेकर आ रहे हैं, ये आपके हित के लिए, अहित के लिए है, आप कम से कम बात तो करते। आज किसान 12-13 दिन से वहाँ संघर्ष कर रहा है, लाखों करोड़ों किसान।